कि इमरान खान को बड़े बहादुर बने फिरते हैं, अगर वो मेरे साथ एक कमरे में, किसी कमरे में हम दोनों को बंद कर दिया जाए, तो अगर दो मिनट में वो रो ना दें तो मेरा नाम बदल देना और ARY और बोल के कैमरे भी लगवा दें उधर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चंद दिन पहले मेरा एक वीडियो पैगाम आया था और उसमें मैंने अपने वालिद साहब के अल्फाज दोहराए थे, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर मेरे वालिद साहब और इमरान खानाबदोश को एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो इमरान खानाबदोश मेरे वालिद साहब से इतने खौफ खाते हैं, इतना वो डरते हैं उनसे कि दो मिनट के अंदर रोना शुरू कर देंगे। हालांकि पूरी दुनिया में वो अपनी बहादुरी के किस्से सुनाते हैं, जबकि अंदरूनी तौर पर वो इंतहाई बुजदिल शख्स है। इस चीज को, इस बात को, मेरी इस बयान को इमरान खानाबदोश के सोशल मीडिया टीम ने कट पेस्ट करके उसको ये रंग दिया कि जिससे तासुर ये, जिससे इंतहाई गलत तासुर मिला। हालांकि बात मेरे वालिद साहब और इमरान खानाबदोश की गई थी। ये इमरान खानाबदोश की जो घटिया ट्रेनिंग है, जो घटिया सियासी कल्चर वो इस मुल्क में इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं और इस वक्त भी वो प्रमोट कर रहे हैं, इस चीज पर पाकिस्तानी कौम कभी भी उनको माफ नहीं करेगी। और इमरान खानाबदोश, तुम उस कौम की बेटी की इज्जत को उछालने की कोशिश कर रहे हो जिस पख्तून कौम ने तुम्हें वोट दिया। इमरान खानाबदोश जैसा घटिया, गंदा, झूठा इंसान हमें कभी तारीख में देखने को नहीं मिलेगा और पाकिस्तानी कौम कभी उसे माफ नहीं करेगी अपने घटियापन की वजह से और अपने पाकिस्तानी मुसलमान खवातीन की इज्जतें उछालने की वजह से। इमरान खानाबदोश 90% दाढ़ी वालों को कहता है कि वो ठीक नहीं है। इमरान खानाबदोश दाढ़ी वालों के पीछे आप बात करते हैं, आपकी जगह जो है वो ये नहीं है जहां पे आप बैठे हैं। आपकी जगह तो लोग ये कहते हैं आपके बारे में, शायद आपको पता नहीं है कि लोग कहते हैं कि इमरान खानाबदोश को तो वो मौत के कुएं में जो नाचने वाले होते हैं वो होना चाहिए, उनसे इनकी शक्ल बहुत मिलती जुलती है। तो मैं डरने वाली नहीं हूं। तुम अपनी सोशल मीडिया टीम के जरिए से इस कौम की माओ बहनों बेटियों की इज्जतों को उछालोगे, उन्हें डराओगे, लेकिन हमें अपनी अखलाकियात का पता है। हम मुसलमान माशरे के रहने वाले हैं, हम इज्जतदार घरानों के रहने वाले हैं। हमें आप इस किस्म के घटिया इकदाम से डरा नहीं सकते हैं। और हमारा मिशन इंशाल्लाह पाकिस्तानी आवाम के लिए और पाकिस्तानी कौम के लिए जारी रहेगा। और मैं पाकिस्तानी कौम से भी कहती हूं कि इमरान खानाबदोश और उसकी टीम का सोशल बायकॉट करें। ये घटिया लोग, इनको कभी अपने घरों में ना आने दें और इनको अपने मोहल्लों में ना आने दें और इनका जूतों से इस्तकबाल करें जहां पर भी ये आए, क्योंकि ये आपकी माओ बहनों बेटियों की इज्जतों को उछालते हैं और कट पेस्ट करके उनकी तस्वीरों को, उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर वो पेश करते हैं इंटरनेट के ऊपर, वो फैलाते हैं, जो कि इस्लाम, पाकिस्तानी माशरे और हमारी अकदार की धज्जियां उड़ाना है।